हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली वीडियो में मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डिस्कस किया। हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो यहां पे हम लोगों को क्वेश्चन गिवन है, इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स फाइंड ए इनवर्स। हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है एंड हैंस सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और इस ए इनवर्स का यूज करते हुए हम लोगों को ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस सोल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए जो हमारा है 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1, हम लोगों को ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा हमारा 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं। पहले हम 1 into 1 minus of -3 minus of -1 into 2 minus -3 plus 1 into 2 minus 1। सो ये हो जाएगा 1 plus 3 plus 1 2 plus 3 plus 1 4 plus 5 plus 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया 10, जो कि हमारा नॉन जीरो है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, सो ए इनवर्स एग्जिट्स। तो जब भी हम लोगों को कभी भी ए इनवर्स फाइंड आउट करना हो, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं जो कि नॉन जीरो होना चाहिए। अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम लोगों को कोफैक्टर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर 1 1 -1 to the power 1 plus 1। और अगर हम फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो 1 1 -3 1। सो ये हो जाएगा 1 1 -of -3 4। कोफैक्टर 1 2 -1 की पावर 1 plus 2। और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम अगर हम डिलीट करते हैं तो हमारे पास आता है 2 1 -3 1 -2 -of -3, और ये आ गया हमारा -5। कोफैक्टर 1 3 -1 to the power 3 plus 1 4 2 1 1 1 1 into 2 minus 1 1। कोफैक्टर 2 1 -1 to the power 2 plus 1 3 -1 1 1 1 -1 -1 -1 2। कोफैक्टर 2 2 -1 to the power 4 1 1 1 1 plus 1 minus 1 0। कोफैक्टर 2 3 -1 to the power 5 1 1 -1 1 -1 plus 1 -2। कोफैक्टर 3 1 -1 to the power 4 1 -1 1 1 -3 plus 3 -1 2। कोफैक्टर 3 2 -1 to the power 5 1 2 1 -3 -3 -2 5। कोफैक्टर 3 3 -1 to the power 6 1 2 -1 1 plus 1 plus 2 3। तो हमने सारे कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए हैं, तो हमारा एडजॉइंट हो जाएगा
एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 2 5 3 इसका ट्रांसपोज। तो फाइनली हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 2 5 3। अब ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वन ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, जो कि हमारा हो जाएगा 1 बाई 10 इंटू एडजॉइंट ए 4 माइनस 5 1 2 0 2 2 5 3। ये हमारा इनवर्स हो गया। तो फर्स्ट पार्ट तो डन हो गया हमारा क्वेश्चन का। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट था इफ ए इज इक्वल टू दिस फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब हम लोगों को ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करना है। तो हम लोग इसी क्वेश्चन का मतलब ये दो पार्ट्स में है, पहले इनवर्स निकालना है फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करना है। तो हम लोग सेकेंड पार्ट पे चलते हैं हम लोग। तो हमारी इक्वेशन में एक बार फिर से लिख लेता हूं। तो इक्वेशन है एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 एक्स माइनस 3 वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। ये तीनों इक्वेशंस थी। अब हम लोग वैसे ही सोल्व करते हैं जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वी कैन राइट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, तो हम लोग इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 3 1 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 4 0 2। तो हमने ये मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख लिया। अब हम लोग एक बार क्वेश्चन को थोड़ा रिकॉल करें। तो हमने यहां पे लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू दिस, और जब हम लोग इस मैट्रिक्स को देख रहे हैं और इस ए मैट्रिक्स को देख रहे हैं तो हम लोगों को पता चल रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है यहां पर ये ए का ट्रांसपोज है। तो बेसिकली हम लोग अगर इसको लिखते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज, क्योंकि हमने जो ए हमें जो ए गिवन था ये मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज है। तो हम लोग डायरेक्ट यहां पे ए ट्रांसपोज लिखेंगे। ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बी वेयर एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड बी इज इक्वल टू 4 0 2। हमें ए ट्रांसपोज के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ए ट्रांसपोज को आप ए डैश से भी लिख सकते हो, ए डैश एक्स इज इक्वल टू बी। तो यहां पर हमें ए डैश के बारे में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए हम लोगों को गिवन मैट्रिक्स था और ये उसका ट्रांसपोज है। तो ये अंडरस्टूड हो गया एक तरीके से। फिर से हम लोगों को अब यहां पे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। एज वी नो डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 10। तो हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से हमें पता है और जो कि 10 के इक्वल है, ये हमने फाइंड आउट किया है। सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो कल जो हमने डिस्कस किया था केस वन, केस फर्स्ट केस क्या है कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होगा, ठीक है, तो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो यहां पे भी यूनिक सॉल्यूशन होगा और वो सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं एक्स इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बी हमारा था, हम लोग यहां पर ए ट्रांसपोज के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू बी। तो ये यहां पे आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू बी। फाइनली एक्स हमारा क्या है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू बी।
तो हम लोगों को एक्स मैट्रिक्स निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, और जो कि हमारा होगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू बी। अब हम लोगों ने पहले एक बार प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज होता है वो होता है ए ट्रांसपोज का इनवर्स। तो हम लोगों को ए ट्रांसपोज का इनवर्स फाइंड आउट करना है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स। तो वो बेसिकली क्या होगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज होगा। तो हम लोगों को ये ए इनवर्स तो अभी हमने कैलकुलेट किया, तो ए इनवर्स हमारा क्या था, यहां पे हमने कैलकुलेट किया था अभी 1/10 4-5 1 2 0 2 2 5 3, ये हमारा ए ट्रांसपोज हो गया, सॉरी ये हमारा ए इनवर्स हो गया। हाँ, तो हम लोगों को ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है। हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स, जो कि इक्वल होगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, जो कि इक्वल होगा, तो बेसिकली हमें इसका ट्रांसपोज करना है। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो जो नंबर बाहर है वो एज इट इज ही रहेगा और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। तो 4 2 2 -5 0 5 1 2 3, तो ये ए ट्रांसपोज का इनवर्स हो गया हमारा। तो फाइनली एक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स जो कि ये है 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 2 3 इंटू बी, और जो हमारा बी है यहां पर भी हमारा 4 0 2। एक्स इज इक्वल टू 1/10, यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग, 16 -0 + 2, ये 8 + 0 + 4, 8 + 0 + 6, तो हमारा x हो गया 1/10, 18 12 14। फाइनली x हमारा था xyz इज इक्वल टू 18/10 12/10 14/10। यहां से x की वैल्यू आ गई 18/10, जिसको हम लोग 9/5 लिख सकते हैं। y की वैल्यू आ गई 12/10, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 6/5, और z की वैल्यू आ गई 14/10, जिसको हम लिख सकते हैं 7/5। तो ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द प्रोडक्ट -4 -7 5 4 1 -3 4 3 1 इंटू 1 1 2 -1 -2 1 1 -2 3। हम लोगों को ये प्रोडक्ट डिटरमाइन करना है एंड यूज इट टू सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और इसका यूज करके हम लोगों को सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्व करना है। और हमारी इक्वेशंस हैं x - y + z = 4, x - 2y - 2z = 9, 2x + y + 3z = 1। चलो स्टार्ट करते हैं हम इसको, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग।
तो पहले हम लोगों को इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, जो कि काफी इजी है, और फिर उस प्रोडक्ट के मतलब जो इन्फॉर्मेशन रहेगी, जो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, उसका यूज करके हम लोगों को हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस सोल्व करना है। तो यहां पर देखो प्रोडक्ट करते हैं हम लोग पहले, तो ये है -4, -4, -4, -7, -1, -3, -5, -3, 1 -1, -2, -1, -2, -3। प्रोडक्ट करते हैं यहां पे हम, -4, +4, +8 ओके, -4, -8, +4 -8, +12 -7, +1, +6 +7, -2, +3 -7, -2, +9 5, -3, +2 -5, +6, +1 5, +6, +3 एक्चुअली यहां पर एक छोटी सी एरर है, यहां पे माइनस वन आएगा और यहां पे माइनस वन, सो ये माइनस का 2 होगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा और यहां पर -3 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इसी में, सॉरी ये 0, ये हो गया 8, यहां पर 0 हो गया है, 0 ये भी 0 हो गया है, यहां पर हो गया है 0, 8, 0, 0, 0, 11, -3, 8 तो ये हो गया। तो हम लोगों को ये हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये 8 टाइम्स आइडेंटिटी है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या आया, -4, -4, -7, -1, -3, -5, -3, -1 into 1, 1, 2, -1, -2, 1, 1, -2, 3 = 8i। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। हम लोगों को इस इंफॉर्मेशन का यूज करके यहां से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं हम इसी में। तो अगर मैं इस 8 को, एक स्केलर नंबर है, मैं अगर इधर लेके आता हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/8, -4, -7, 5, 4, 1, -3, 4, 3, -1 into 1, 1, 2, -1, -2, 1, 1, -2, 3 = identity। अब यहां पे देखिए, एक मैट्रिक्स ये है और दूसरा मैट्रिक्स ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। मींस इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये पूरा मैट्रिक्स होगा, और अगर इस पूरे मैट्रिक्स का इनवर्स देखते हैं तो वो ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कभी भी a इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी आता है, मान लो दो मैट्रिक्स हैं a और b का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि b जो है वो a का इनवर्स है। ठीक है, और a जो है वो b का इनवर्स है, आपस में इनवर्स होंगे। तो यहां से हम ये इंफॉर्मेशन लिख भी सकते हैं कि 1, 1, 2, -1, -2, 1, 1, -2, 3 इसका जो इनवर्स होगा वो होगा 1/8, -4, -7, -4, -7, 5, 4, 1, -3, 4, 3, -1 ये इनवर्स होगा। हम लोगों ने ये इंफॉर्मेशन लिख ली। अब आगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा क्या है, गिवन
सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू 9, 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 1। तो हम लोग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज 1 - 1 - 1, 1 - 2 - 2, 2 - 1 - 3 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 4, 9, 1। अब हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है यही तो ये वाला मैट्रिक्स है, समझ रहे हो? यहां पे तो यहां पे देखो लेट ए इज इक्वल टू, ए हमारा हो गया 1, 1, 2 - 1 - 2, 1, 1 - 2, 3 और एक्स हमारा हो गया एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई जेड और बी हमारा मैट्रिक्स हो गया 4, 9, 1। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर बेसिकली हम लिख सकते हैं कि a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। अब हम लोगों को ये पता है कि x जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा a इनवर्स b, x जो होगा वो हमारा a इनवर्स b हो जाएगा, ठीक है? तो यहां से हम लोगों को a इनवर्स पहले से पता है। a इनवर्स क्या है? a इनवर्स हमारा है 1/8, जो हम लोग अभी डिस्कस करके आए थे यहां पे, जो आप देख पा रहे हो 1/8 -4 - 7, 5, 4, 1, 3, 4, 1 - 3, 4, 3 - 1। तो यहां पे ये हमारा a इनवर्स हो गया। तो फाइनली x इज इक्वल टू 1/8 - 4 - 7, 5, 4, 1 - 3, 4, 3, 1 इंटू बी, बी हो गया 4, 9, 1। तो x इज इक्वल टू 1/8 - 16 प्रोडक्ट करें हम लोग +36 + 4 यहां पे -28 + 9 + 3, 20 - 27 + 1। सो यहां पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया 20, 24। और ये 12 - 28